लोकसभा चुनाव में नेताओं के साथ ही साथ कवि, विचारक, विश्लेषक और न जाने कितने लोगों की बाजार सज चुकी है और राजनीतिक विश्लेषक अपनी लेखनी से राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कवि पार्टियों समेत नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। अपने कटाक्ष और व्यंग के लिए प्रसिद्ध कवि और आम आदमी पार्टी के बागी नेता कुमार विश्वास ने गाजियाबाद में वसुंधरा सेक्टर 1 में एमिटी स्कूल में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान विश्वास ने देशवासियों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की, साथ ही नसीहत भरे लहजे में कहा कि अगर आज आप वोट फॉर इंडिया नहीं कर रहे हैं तो आप आने वाले कल के लिए सिस्टम से सवाल करने का अपना नैतिक अधिकार खो देंगे, इसीलिए घर से निकलिए और मतदान जरूर करिए। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने मतदाताओं को उनके एक वोट की कीमत समझाते हुए कहा, मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदान, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले, निकलिए और मतदान करिए। वहीं वोटिंग के मसले के बाद काफी दिनों से आप से नाराज चल रहे विश्वास ने आप और कांग्रेस के बीच होने वाले गठबंधन को लेकर एक बार फिर गठबंधन की खबर उछलने पर इस बाबत एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि एक ही खबर लगभग लगातार, हर बार इनकार लगभग 50वीं बार आई है, लेकिन वही मीडिया की खबरों की माने तो आपने कह दिया है कि दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन होना अब संभव नहीं है और लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी, आप और कांग्रेस की राह जुदा जुदा होगी, क्योंकि शीला दीक्षित जिनको हटाकर केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पाई थी, अब वही शीला कैसे केजरीवाल से सत्ता के लिए हाथ मिला सकती हैं? और यही कारण है कि कांग्रेस और आपके बीच गठबंधन नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि दिल्ली की स्थिति कब साफ हो पाती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, ये तो दिल्ली में उम्मीदवारों के चयन होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अफवाहों का बाजार गर्म है और लोग इधर उधर की बातों पर मजे ले रहे हैं।